बड़े हल्ले हो रहे हैं, खूब सुर्खियों में है, नाम है आदि पुरुष। लेकिन सुर्खियों में जितनी ये फिल्म है उतनी ही सुर्खियों में फिल्म की हीरोइन और डायरेक्टर भी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना, मैं हूं स्मिता सिंह। ओम राउत के डायरेक्शन में बनी फिल्म आदि पुरुष का एक्शन ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ है। टीम आदि पुरुष ने 6 जून को तिरुमाला में फिल्म के इस ट्रेलर को रिलीज किया है। काफी पैसा खर्च किया है, करोड़ों रुपए लगाकर वहां पर रिलीजिंग का कार्यक्रम किया गया, फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ। प्रसार, कीर्ति सैनन, सनी सिंह, देवदत्त नागे और सैफ अली खान स्टारर ये फिल्म रिलीज के लिए तैयार है। 16 जून को बॉक्स ऑफिस पर उतरने वाली है। ट्रेलर को देखने के बाद दर्शक भी फिल्म के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। और इसी बीच फिल्म की कहानी से अलग कई और मुद्दे सुर्खियों में चलते हुए सुनाई दे रहे हैं। पहला मुद्दा है, एक नया ट्रेंड चला है, फिल्म रिलीज के लिए तैयार हो तो प्रमोशन वाले पैंतरे में मत्था टेकने के लिए किसी धार्मिक स्थल पर पहुंचते हैं। जो सेलिब्रिटीज हैं, फिल्म के स्टार्स हैं, टीम है, वो कोई बुराई नहीं है, लेकिन हर स्थल की, हर धार्मिक स्थल की कुछ मर्यादाएं होती हैं, कुछ सीमाएं होती हैं जिनका लिहाज करना चाहिए। ऐसी बातें सामने आ रही हैं एक्ट्रेस कृति सैनन और फिल्म के डायरेक्टर ओम राउत से हुई एक भूल के बाद। दरअसल ओम राउत और कृति सैनन फिल्म के प्रमोशन के लिए तिरुपति के वेंकटेश्वर मंदिर पहुंचे। दोनों ने एक दूसरे से विदा ली तो वेस्टर्न कल्चर वाले अंदाज में बाय बोला। कैसे? डायरेक्टर साहब ने धार्मिक स्थल पर एक्ट्रेस को पब्लिकली किस किया तो विवाद खड़ा हो गया, जो कि लाजमी था। तेलंगाना के चिलकुर बालाजी मंदिर के जो मुख्य पुजारी हैं उन्होंने इसकी निंदा की, दोनों के इस व्यवहार को रामायण और माता सीता के अपमान के बराबर बताया और कह दिया कि ऐसा करने के लिए आप किसी होटल के कमरे में जा सकते थे। इधर सोशल मीडिया पर भी इस वाक्य की क्लिप्स वायरल होने लगी। भाजपा के राज्य सचिव रमेश नायडू ने भी इसकी आलोचना करते हुए ट्वीट किया, हालांकि बाद में उन्होंने इस ट्वीट को ट्विटर से हटा दिया। ये तो हुआ एक मुद्दा। दूसरा ये कि कुछ खबरों में सुनाई दे रहा है कि द कश्मीर फाइल्स के प्रोड्यूसर अभिषेक अग्रवाल ने तेलंगाना में फिल्म आदि पुरुष के 10,000 टिकट्स मुफ्त में बांटने का फैसला लिया है, जो स्कूल्स के स्टूडेंट्स, ओल्ड एज होम्स और अनाथालयों में रहने वालों को दिए जाएंगे। यहाँ मुझे एक बात और याद आ गई कि कुछ टाइम पहले ही फिल्म के मेकर्स ने भी एक अनाउंसमेंट की थी कि हर थिएटर में एक सीट पवन पुत्र हनुमान के नाम पर रिजर्व होगी, खाली रखी जाएगी। इस खबर ने मेकर्स की खूब वाहवाही की थी। बेशक मुफ्त टिकट बंटने वाली खबर भी फिल्म के लिए पॉजिटिव बनी। वैसे हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में पैन इंडिया रिलीज हो रही इस फिल्म से मेकर्स और स्टार्स के साथ साथ क्रिटिक्स और जो ट्रेड एनालिसिस हैं उनको काफी ज्यादा उम्मीदें हैं कि आदि पुरुष दर्शकों के दिलों पर छाप जरूर छोड़ेगी। वैसे फिल्म के गाने और अब डायलॉग्स दर्शकों को काफी पसंद आ रहे हैं। फिल्म के पावरफुल डायलॉग्स सोशल मीडिया पर खूब जमकर ट्रेंड कर रहे हैं। टी सीरीज के भूषण कुमार की प्रोडक्शन में बनी आदि पुरुष को सेंसर बोर्ड ने भी यू सर्टिफिकेट दिया है, यानी आदि पुरुष को हर भारतीय की फिल्म आप कह सकते हैं, हर कोई इसे बेशक देख सकता है। फिल्म की कहानी हर एक को लुभाएगी भी। राम बने प्रभास, सीता बनी कृति सैनन और लंकेश बने सैफ अली खान पर दर्शक कितने इनको पसंद कर पाते हैं ये तो पता चलेगा 16 जून को, जब फिल्म बिग स्क्रीन पर आएगी। लेकिन फिल्म की आने वाली कामयाबी मेकर्स और स्टार की किसी गलती से खट्टी ना हो, इसका आदि पुरुष की टीम को खास ख्याल इस वक्त रखना होगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे किसी नए वीडियो, किसी नई जानकारी के साथ। देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।